डियर स्टूडेंट्स दिच वी आर नाउ डिस्कसिंग टॉपिक में हम लोगों ने ये देखना है कि पीपल कंपोनेट ऑफ द ऑपरेटर मशीन सिस्टम टू कंसिडर साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग वर्क परफॉर्मेंस जब कोई शख्स मशीन के ऊपर काम कर रहा होगा तो वो कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं इसको हम लोगों ने अभी देखना है साइकोलॉजिकल फैक्टर एज मेमोरी, अटेंशन बोर्डन, जॉब सेटिसफैक्शन फ्यूचर एम्बेगी एक्सपेक्टेशन एंड स्ट्रेस अगर इनमें से हम एक फैक्टर देखें जॉब सेटिसफैक्शन तो इससे हमें आइडिया होता है कि किस हद तक जो इम्प्लाईज है अगर वो मैंटली डिससेटिस्फाइड है तो उसकी जॉब किस हद तक मुतासर हो सकते हैं जॉब सेटिसफैक्शन में इम्प्लाई को हम लोग इंट्रेंसिक और बेनिफिट एक्सटेंजिक सेटिसफाई करते हैं बेनिफिट्स इंटरनल के समवन इज़ वर्किंग गुड विदाउट सम सुपरविजन एक्सटेंजिक फैक्टर जिसमें हम फाइनेंशियल रिवार्ड उसे देते हैं अब इन सब चीज़ों का मकसद क्या है ताकि वो इम्प्लाई सेटिसफाई हो सके इफ़ दैट इम्प्लाई विल बी भीफाइड ऑटोमेटिकली

अगर हम लोग इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपके हैंड्स हैं रिस्ट है या फोर आर्म है अब टेक्निकल पॉइंट ये है कि बाज़ात ऑर्गेइजेशन के अंदर आप सबको मालूम है कि ज़्यादा ये जो अभी साइकोमोटर्स पार्ट्स ऑफ बॉडी की मैंने बात की है इनका यूज़ होता है अगर आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकली काम कर रहे हैं जहाँ पे एक्सर्जन ऑफ बॉडी इन्वाल्व है तो वहाँ पर कामुलेट ट्रामा डिसऑर्डर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या है इसका सोल्यूशन ये है अकॉर्डिंग टू दी ऑफ ऑक्यूपेशनल है हमें एस ओ पीज फॉलो करने चाहिए जब आप एस ओ पी फॉलो करेंगे तो आपकी मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स मूवमेंट्स ऑफ रिस्ट मूवमेंट्स ऑफ फोर आर्म ये अकॉर्डिंग टू एस ओ पी होगी और बहुत कम चांसेस होंगे कि इनमें किसी किस्म की प्रॉब्लम सामने आ सकती है कार्पल टनल सिंड्रोम कार्पल टर्नम सिंड्रोम इज अ कॉमन रिस्क एंजरी

उससे पहले उसकी ट्रेनिंग देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्पल टनल इज एन ओपनिंग इन द द रिस्ट एंड द्रांसवीरेंस कार्पल लिगामेंट अब यहां पर अगर देखा जाए स्टूडेंट तो एक पॉइंट है वो ये है कि ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं ये मेडिकल साइंस के रिलेटेड हैं हम लोग इन चीजों की स्टडी बच्चों को नॉर्मली एम बी बी एस में करवाते हैं लेकिन यहां पे ये बेसिक चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी बंदे की फिजिकल इंजरी के साथ अटैच है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एम्प्लॉय को एजुकेट किया जाता है कि अगर उसके जिसम में कोई नर्व किसी किस्म की दब जाती है तो उसकी वजह से किसी किस्म की प्रॉब्लम पेश हो सकती है टनडोनीटी टिटीज द मोस्ट result डायग्नोज रिजल्ट फ्राम इन्फ्लेमेशन due टू excessive use. इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब इम्प्लाई एक ही काम को रिपीटेडली करता है और उसमें एक्सेसिव यूज ऑफ बॉडी का करता है तो चांसेस है कि उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है इन्फ्लेमेशन इसे कहते हैं सोजिश को कहते हैं अगर किसी जगह पर आपको इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो यू हैव टू नीड प्रॉपर केयर ऑफ इट यू हैव टू नीड ट्रीटमेंट अब यहाँ पे जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो बर्निंग सेंसेशन पेन स्वेलिंग ये सिम्टम्स हैं कि इसकी वजह से आपको आइडिया हो जाता है कि वहां पे किसी किस्म की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है टेनोसिनोविटिस यहाँ पे ये जो टर्म है इसका मतलब ये है कि टेनोसिनोविटिस इज सॉफ्ट टिश्यू ट्रामा एंड इंजरी टू टेंडन आर टेंडेंटर फ्रीक्वेंटली अकरिंग द रिस्ट एंड एंकल्स वे ट्रासिंग टाइट लिगामेट्स अब यहाँ पे एंकल में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके घुटने में भी हो सकती है किसी ज्वाइंट्स में हो सकती है लेकिन ये ऐसा होता कब है? जब आप किसी चीज को के बगैर उसकी मूवमेंट करते हैं कि अचानक अगर आप अचानक हैंड मूवमेंट कर रहे हैं या लेग्स मूवमेंट कर रहे हैं या एंकल के ऊपर वजन डल गया आपका तो इस वजह से ये प्रॉब्लम पेश हो सकती है सी टी डी कॉन्ट सिस्टम

लेकिन कुछ रेस्ट लेने के बाद वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है ये स्टेज वन के सिम्टम्स हैं उसके अंदर इसको अगर देखा जाए तो इसमें ये चीज़ बहुत कॉमन एम्प्लॉज में पाई जाती है इंप्लाई जब एक काम रिपीटेडली कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे मे बिकम टायर्ड एंड आफ्टर टेकिंग रेस्ट वो टायर्डनेस खत्म हो जाती है एंड ही फुली रिकवर्ड स्टेज टू देर इज द एडिशन ऑफ प्रीवियस थिंग्स टाइडनेस भी है लेकिन उसके साथ समाइम स्वेलिंग पेन एम्प्लॉ के अज़ा के अंदर किसी जगह पर कोई स्वेलिंग हो जाती है या उसको पेन होना शुरू हो जाती है अब इस सिस्टम में क्या है द सिस्टम्स द सिमटम्स डू नाट डिस्पाइट ओवर नाइट अब ये सिस्टम के अंदर जो सिम्टम्स पैदा हुई हैं ये अचानक पैदा नहीं हुई जब अचानक पैदा नहीं हुई तो इसका मतलब है कि इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस जब ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस होगा तो यू नीड सम मेडिसिन आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन इट विल बी रिकवर्ड इट इज नोन एज स्टेज टू पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेज थ्री एक्सपीरियंस कॉन्स्टेंट पेन इवन वाइल परफॉर्मिंग लाइट ड्यूटीज बहुत बहुत ऐसा भी होता है कि हम लाइट ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं जो कि नॉर्मल एक रूटीन मैटर है लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर इशू पैदा हो जाता है आपको पेन स्वेल्यू स्वेलिंग या उसके अलावा कोई सीरियस इशूज वो खत्म ही नहीं हो रहा देन यू हैव टू नीड रिकवर इट प्रॉपर मेडिकल मशीन वेरिएबल्स मशीन आर एक अवेलुएटेड मशीन के रिलेटेड काफी वेरिएबल्स हैं जिनको जानना अवेल्यूट करना कंट्रोल करना मोनिटर करना इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स आर एज फॉलो नंबर वन मशीन नंबर टू टूल्स नंबर थ्री ऑफिस ये तीन चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के वक़्त इस्तेमाल होते हैं मशीन आपको मालूम है कि मशीन में प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ऑफ टूल्स टूल वो इक्विपमेंट्स हैं जिनकी मदद से मशीन को यूज़ किया जाता है या मशीन से प्रोड्यूस किए जाते हैं या वो टूल मशीन में यूज़ होते हैं ऑफिस ऑफिस के अंदर आपकी ऑफिस वर्क परफॉर्म किया जाता है और इन तीनों चीज़ों को हम लोग मशीन वेरिएबल्स बोलते हैं और इसके रिलेटेड जो लास्ट डी स्टूडेंट्स पॉइंट है वो है इन्वायरमेंटल वेरिएबल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम उस वक्त तक परफॉर्म नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ पे कूल एंड काम और अफेक्टिव एनवामेंट प्रोवाइड ना किया जाए जैसा कि यहाँ पे बताना गया है इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स इंक्लूड टम्परेचर लाइटिंग वाइब्रेशन ह्यूमिडिटी एंड कंटेमिनेशन एनी ऑफ विच कैन रिजल्ट इन एलिवेटेड एलोकोनिक रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर जो साउंडिंग एन्वायरमेंट है उसको प्रॉपर वे में मोनिटर ना किया जाए तो किसी हद हाँ तक वहाँ प्रॉब्लम पैदा हो सकती है अगर ये तमाम चीज़ें वहाँ पर कंट्रोल इन्वायरमेंट में मौजूद हैं तो काफ़ी हद हाँ तक एनवायरमेंटल वेरिएबल आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने का बायस बनेंगे